नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रही हैं रेडियो गनपुरिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी अद्भुत तरीके से यहाँ पर दियाली मिल रही है। बहुत अद्भुत तरीके से यहाँ पर आपको मूर्तियाँ भी रखी दिख रही होंगी। जैसे कि दिवाली आने वाली है और आज धनतेरस भी है और हम लोग यहाँ पर गोविंद नगर निकल आए हैं। यहाँ पर अद्भुत तरीके से जो दुकानें सजी हुई हैं, जिस तरीके से सारी दुकानें गुलजार की तरह सजी हैं और मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो इस दिवाली देखते हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, मेड इन इंडिया चुन रहे हैं या फिर चाइनीज़ माल चुन रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर, जिस तरीके से 10 सालों में बाज़ारों को लेकर जो ऊपर नीचे जो हम लोगों का एक आंकड़ा है वो गया है, वो हम लोग यहाँ दुकानों में देखने आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दुकान है बहुत छोटी सी, यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर जो आपको दिया दिख रही होंगी, बहुत नए तरीके से आइटम दिख रहे होंगे, किस तरीके से जो लेने वाले लोग हैं वो कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हमारे साथ भैया हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सुमित गुप्ता। अच्छा, आपने कब खोली दुकान? ये मैं 20 साल से खोला। अच्छा, 20 साल से। इस बार जैसे दिवाली है तो इस बार जो आपके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं लेने, तो कौन सा सबसे ज़्यादा दिया ले रहे हैं? मतलब मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया भी बने हुए प्रोडक्ट है, तो कौन सा ले? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया ले रहे हैं। अच्छा, ये कितने भी आपको यहाँ पे कलरफुल दिख रहे हैं, सब मेड इन इंडिया मिट्टी के हैं। अच्छा, मूर्तियाँ कैसे आप दिखा रहे हैं यहाँ पर? ये मूर्तियाँ सब ये हमारी मेड इन इंडिया है, हमारा मिट्टी के ही कुम्हार, हमारे ऑर्डर हम लोग देते हैं। अच्छा, ऑर्डर दिया है जी, ये कुम्हार को अपना ऑर्डर दिया, उनसे लिया। अच्छा, जी। तो ये पूरी मिट्टी की है? जी जी जी। तो ये कितना अच्छा है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाना चाहिए और मेड इन इंडिया का प्रयोग करना चाहिए, उस तरीके से भैया भी मेड इन इंडिया, जैसे ये जो मिट्टी के बने हुए हैं, पीओपी तो नहीं है, ये मिट्टी है, मिट्टी के बने हुए मूर्ति है, उसका प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा है ये, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। और कितने प्रकार के आपके यहाँ सामान मिल रहा है वो दिखाइए। ये देखिए, गणेश लक्ष्मी है, कुबेर जी हैं। अच्छा। और ये सब मिल जाता है वॉलपेपर, ये अपना सब मेड इन इंडिया है। अच्छा, सब कुछ मेड इन इंडिया जी। ही है जी। और दिया के बारे में थोड़ा बताइए। दिया के बारे में क्या, ये दिवाली है, ये डिजाइन वाली है और ये कटिया चूल्हा है, ये सब देखिए, ये सब मेड इन इंडिया, ये कुम्हार लोग बनाते हैं। अच्छा, ये कैसे देते हैं, किस भाव में देते हैं आप? ये 25 रुपए का है। अच्छा। ये बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं, देखिए इसमें छोटी सी बाल्टी है। ये पूरा मिट्टी का काम हुआ है? जी जी, पूरा मिट्टी का काम, इसको पकाया जाता है। अच्छा, पका के फिर कलर किया जाता है इसमें। हाँ हाँ। पका के कलर किया जाता है। आप आंटी क्या लेने आई हैं? मैं दिए लेने आई हूँ। अच्छा, कौन से ले रही हैं? मैं ये रेड वाले ले रही हूँ। अच्छा, जिस तरीके से दिवाली आती है तो बहुत सारी दुकानें भी लगना शुरू हो जाती हैं, यहीं पर बात आती है कि आप बढ़ावा किसे दे रहे हैं, मेड इन इंडिया को या फिर चाइनीज माल भी बहुत बिकते हैं? मैं मेड इन इंडिया ही को माने दूंगी और हाँ, तो किसी को नहीं दूंगी। तो हमने इस बार मेड इन इंडिया का ही इस्तेमाल किया। यस, जिस चीज़ से अवगत कराया प्रधानमंत्री जी ने, जिस चीज़ से अवगत कराया कि अपना विकास नहीं करो, गरीबों का विकास करो, तो उसको देखते हुए हम लोग अपने ही देश में बन रहा जी बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर बनना जी। तो इस बार आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही है दिवाली में? बहुत अच्छी, जैसे चलती थी वैसे ही चल रही है। तो आपने लाइट्स भी ली होगी, तो किस तरह की लाइट्स ली है आपने इस बार? लाइट्स मैंने ज्यादा करके तो सोचूंगी यही दिए ही जलाऊं। अच्छा, दिया जलाओ, लाइट से अच्छा दिया, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, अर्चित रहेगा, लाइट से अच्छा दिया। स्वदेशी अपनाओ, मेड इन चाइना का बहिष्कार करो। सही बात है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि राम भगवान जब घर से अयोध्या के लिए आते हैं तो वहाँ पर दिया से, मतलब पूरा जो अयोध्या होता है बिल्कुल जगमगा उठता है और वहाँ पर दिया का ही प्रयोग होता है, मिट्टी के दियों का ही इस्तेमाल होता है। तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से हम लोगों ने दुकानों में देखा कि एक स्वदेशी को ही अपना रहे हैं और हमारे देश में जिस तरीके से मेड इन इंडिया का जो आइटम बनता है उसको ही लोग अपना रहे हैं। यहाँ पर कई प्रकार की आपको दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। दादा, आपकी दुकान है? नहीं नहीं, अभी दुकान वाले आए। अच्छा, ये कौन है? लेने आए हैं आप? अरे वो बच्चा है, बच्चा का बोले। अच्छा, दिवाली है, कैसा आपका लग रहा है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं दिवाली की? अरे अब अच्छी तैयारी है, अब क्या बताऊँ। हाँ? अच्छा, हर त्योहार को खुशी से मनाया जाता है। हाँ?
इस बार जैसे आप बाजार गए होंगे, दुकान गए होंगे, तो आपको जो सामान मिल रहा है, मूर्तियाँ मिल रही हैं, उसका भाव कैसा आपको लग रहा है? बाजार, वो तो बाजार तो महंगी है। हाँ, बाजार महंगी है। और क्या, इस बार की पहले का भी बता रहे हैं? अरे पहले से, अब साल का साल तो बदलता जाता है ना, महंगाई तो बदलती जा रही है। अच्छा। और क्या, सारी चीज़ की महंगाई है, क्या ये मूर्ति में थोड़ी है। क्या लेने आए अभी आप? अभी देख रहे हैं। अच्छा, अभी देख रहे हैं जी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से लोग मूर्तियां ले रहे हैं, किस तरीके से लोग आज खरीदारी कर रहे हैं, वो लोग हम लोग जानते हैं। तो अभी आपको ये एक शॉप दिख रही होगी, यहाँ पर बहुत सारे आपको सजावट दिख रही होंगी। यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार दिवाली में किस तरह की लोग खरीदारी कर रहे हैं, किस तरीके से लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं। आंटी, क्या लेने आई हैं आप? गणेश लक्ष्मी। सबसे पहले आपका नाम क्या है ये बताइए? विनोदनी। अच्छा, गणेश लक्ष्मी लेने आए हैं, कौन सी लिया अभी आप? अच्छा, तो आपने कौन सा लिया है, मेड इन इंडिया लिया है या मिट्टी का लिया है या फिर एक यूपी मिट्टी आती है उसका मिट्टी, लिया है? यूपी मिट्टी। अच्छा, उसका लिया है। अच्छा अंकल, आप कब से लगा रहे हैं दुकान? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अच्छा, क्या क्या आइटम इस बार नए देखने को मिले हैं? अब हमारे पास तो ये मंदिर आया हुआ है एक नए डिजाइन में। अच्छा, और भी काफ़ी आइटम है। सबसे ज़्यादा जो लोग आपके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या ले रहे हैं, किसकी खरीद? मिट्टी के लिए। मिट्टी की मूर्ति। हाँ। अच्छा, कौन कौन सी, कितने में दिखा रहे हैं आप, मुझे दिखाइए। हमारे पास 50 रुपए से लेकर के 450 रुपए तक की है। 450 की जो है वो डेकोरेट है। ओके। डब्बे में पैक पूरी उसको सजावट के साथ। हाँ, ये लगा हुआ है हमारे पास। अच्छा। बाकी और मतलब मीडियम में 50 रुपए से 300 रुपए तक की जो बगैर सजावट की सामने आपके लगे। अच्छा, जैसे आप दुकान लगाते होंगे, बाजार भी लगती है, लेकिन जब दिवाली आता है तब आपको क्या मतलब अपनी दुकान में फायदा देखने को मिलता है? बस यही है, 2-4-5 मिल जाता है खर्चा पानी के लिए बस। हाँ। और क्या, बाकी कोई बदलाव तो देखने को मिलता ही होगा ना दिवाली आने के बाद। अब महंगाई को देखते हुए बदलाव तो हमें कुछ नहीं लग रहा है इससे। अच्छा। महंगाई के होते हुए दुकानदारी कुछ डाउन है, जिस तरीके से पहले चलता था उस तरीके से कुछ नहीं। अच्छा, जिस तरीके से दिवाली आ भी रही है, तो आप दिवाली को किस तरीके से लेते हैं, क्या महत्व इसका समझते हैं? अब महत्व क्या, जो सब लोग मनाते हैं वही हम भी मनाते हैं। हाँ। लेकिन एक उद्देश्य देकर जाती है ना दिवाली। जैसे भगवान राम की पूजा। हाँ। गणेश लक्ष्मी की पूजा, बस इसी उद्देश्य से लोग दिवाली मनाते हैं। वनवास से आए, इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है, यही हम लोगों को प्रेरणा है। उसकी खुशी में आज हम लोग सैकड़ों दीपक खरीद रहे हैं, इतनी खरीदारी कर रहे हैं, यही दीपावली हम लोग थोड़ा सा बदलाव देते हैं, यही बदलाव मिलता है। अरे महंगाई देखे तो महंगाई देखते हुए लोग परचेजिंग बहुत कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो इतनी महंगाई है कि लोग हिम्मत ना करें। बिल्कुल। इतना सामान जितना हमने लिया 500 के लिया, ये 200 से ज़्यादा थोड़ी है, लेकिन महंगाई तो है। ये सब देखो, ये हमने सब लिए दीपक लिए, रंगोली के आउटलाइन देने के लिए। अच्छा, जैसे श्री राम में बहुत सारे गुण भी पाए जाते हैं, तो आपको सबसे अच्छा श्री राम में क्या लगता है, वो हमें क्या सीख दे कर जाते हैं? वो हमें दे जाते कि राम राज्य की स्थापना करो। अच्छा। बहुत शांत प्रिय थे वो, शांताकारम भुजग शरणम, उनको यही उपाधि दी गई है। अच्छा। ये लक्ष्मण जी हर बात में अग्रसर हो जाते थे, पर वो हमेशा शांत रहते थे, यही प्रेरणा कि राम की तरह रहो, राम राज्य की स्थापना करो, कहीं भी रहो सबको अपना समझो, वसुधैव कुटुंबकम, यही प्रेरणा। इस बार आपने ज़्यादा सामान कौन सा लिया है, जैसे कि हमारी सरकार भी कहती है, प्रधानमंत्री, कि आपको मेड इन इंडिया सामान लेना है, तो आपने इस बार चाइनीज में ज़्यादा सामान लिया है या फिर मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया, मैं यही लाइक ही करती हूँ। हाँ। इसी को मतलब आपने बढ़ावा दिया? बढ़ावा दिया है, मैं चाइनीज कभी नहीं पसंद करती हूँ, आज भी नहीं पसंद कर रही हूँ। जैसे उसकी लाइट्स होती है तो ये चाइनीज में ही बनती है, है ना? वो हम लोगों की मजबूरी है कि लेना पड़े, अब इंडियन वाली कहाँ हम लोगों को सफिशियंट है कि हम लोग लें, इसीलिए मेड इन इंडिया ही लिया है। मेड इन इंडिया ही लिया। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी हम जानने का प्रयास करते हैं। अंकल, आप क्या ले रहे हैं? मूर्ति लिया है। कौन सी मूर्ति लिया? मिट्टी की। मिट्टी के लिए है, दिखाइए कौन से पसंद की अंकल ने। वो सामने। अच्छा, कितने को पड़ी हुआ रही आप मूर्ति आपको? वो भाई अभी जोड़ेंगे तो मालूम चलेगा। अच्छा, जिस तरीके से लोग पीओपी मिट्टी भी लेते हैं, तो आपने क्या सोचकर मिट्टी की मूर्ति? मिट्टी की ले ही जाते हैं। हाँ।
ना, मिट्टी की ही लेते हैं। अच्छा, वो अच्छी भी होती है, क्योंकि पीयूपी मिट्टी हमारे पर्यावरण के लिए भी एक खतरनाक साबित होती है और मिट्टी में बहुत सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, जिस तरीके से दिवाली आई है, तो आप दिवाली को किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या सीख देकर जाती है, क्या महत्व है? क्या यही खुशहाली होती है? आपको क्या एक सीख देकर जाती है दिवाली? सीख क्या, आप दीपावली आती है यही सीख होती है। तो इस बार आपने सफाई वफाई कर ली? साफ घर की सफाई। अच्छा, ये आपको पता है जिससे दिवाली आती है उस समय हम लोग घर की पूरी सफाई कर लेते हैं, इसका क्या महत्व है? महत्व क्या, दीपावली में पूरी सफाई होनी चाहिए। आंटी, सबसे ज्यादा आपको क्या बिक्री दिख रही है, ज्यादा लोग क्या ले रहे हैं? सबसे ज्यादा दिया ले रहे हैं। दिया ले रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे नए आइटम आ गए हैं, है ना, दिया अब अपने आप जल जाता है, तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है कि लोग ग्राहक ले रहे हैं दिया? अब तो नया नया फैशन में जो चल रहा है उसी को ले रहे हैं, दिया बहुत कम हो गया है। अभी हम लोगों ने आगे बात की तो बोला कि मेड इन इंडिया का सामान ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, और क्या। तो ये आपको कितनी खरीदारी दिखी है अभी? कितना? 1 रुपया के 1 दियाली पड़ी हुई। अच्छा, लोग ले रहे हैं यही दियाली? हाँ, एक के एक मिली हुई है। 30 के 25 बेच रहे हैं। अच्छा, कब से लगा रहे हो आप? अभी शाम 2 बजे से लगाए, 2-3 बजे से। अच्छा, ये सब कुछ आपने मिट्टी का ले रखा है ना? हाँ, मिट्टी के है। अच्छा, चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर बात किया और बहुत सारी दुकानों में हम लोगों ने बात किया, ये हमें जानने को मिला कि यहाँ पर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि स्वदेशी अपनाइए और मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा दिया जलाइए, तो उस तरीके से यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण के लिए मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग आगे मिलेंगे, आगे इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। बने रहिए मेरे साथ, ज्योति के साथ, आप देख रहे थे रेडियो कानपुर। रेडियो कानपुरिया 91.9 FM।